दो दशक में 6 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की रेटिंग करने के बाद अब CAC और ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट ने उर्वरक उत्पादक उद्योगों का आकलन कर उन्हें ग्रीन रेटिंग दी है। रासायनिक उर्वरक उद्योग ने भारत की हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 1951 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 5.2 करोड़ टन था, जिसके 2017-18 में बढ़कर 27.7 करोड़ टन होने के साथ साथ उर्वरकों की खपत में कई गुना वृद्धि हुई है। जहां पहले 1 हेक्टेयर में 1 किलोग्राम उर्वरक इस्तेमाल होता था, वहीं अब 1 हेक्टेयर में 135 किलोग्राम उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय खेती में अत्यधिक प्रयोग होने वाला यूरिया भारत के रासायनिक एवं उर्वरक उद्योगों का आधार है। 2016-17 में लगभग 4.1 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था, इसमें 60% हिस्सेदारी यूरिया की थी। साल 1980 में देश में जहां 60 लाख टन यूरिया की खपत हुई थी, 2017 में यह बढ़कर 3 करोड़ टन हो गई है। यूरिया के उत्पादन में देशी कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। 2017 में देशी कंपनियों ने लगभग 2.4 करोड़ टन यूरिया का उत्पादन किया, बाकी यूरिया का आयात किया गया। CAC ने अपने अध्ययन में इन्हीं देशी उर्वरक उत्पादन उद्योगों को शामिल किया है, जिनकी चालू हालत संख्या लगभग 23 है। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया और इनके लिए 54 इंडिकेटर्स तय किए गए। कंपनियों से इस अध्ययन में शामिल होने की अपील के बाद भी जो कंपनियां इसमें शामिल नहीं हुई, उन्हें स्थानीय लोगों, मीडिया, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और CAC की टीम द्वारा एकत्र की गई सूचना के आधार पर रेटिंग दी गई है। यूरिया उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की बहुत जरूरत पड़ती है और कुल उत्पादन लागत में 70-80% खर्च ऊर्जा की खपत पर होता है, इसलिए यह सेक्टर ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अग्रणी है। वायु और जल प्रदूषण और ठोस एवं खतरनाक कचरे के उत्पादन में इन उद्योगों को 20% वेटेज के साथ दूसरे नंबर पर रखा गया, जबकि पानी के इस्तेमाल की दक्षता के आधार पर इन्हें 15% वेटेज दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित और दुनिया के सभी देशों द्वारा स्वीकृत सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम, स्वास्थ्य एवं संरक्षा, उद्योगों में लंबे समय तक चलने वाले संयंत्रों का उपयोग जैसे उपायों की बुनियाद पर इन्हें 17% वेटेज दी गई है। प्लांट के कामकाज पर नजर रखने वाले स्थानीय लोगों की भूमिका को भी इस अध्ययन में जगह दी गई और उन्हें 10% वेटेज दिया गया। इसके अलावा प्लांट द्वारा पर्यावरण संबंधी आंकड़ों की जानकारी लोगों को देने पर पारदर्शिता के लिए 8% वेटेज दी गई है। इस सेक्टर ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को अपनाने में तत्परता दिखाई है। यूरिया उद्योग ने प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल भी बढ़ाया है और अभी यूरिया उत्पादन उद्योग में लगभग 30% प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तेल नाफ्था के मुकाबले स्वच्छ ईंधन है। हालांकि अभी भी 3 ऐसे प्लांट हैं जहां तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेक्टर को ऊर्जा इस्तेमाल और ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में 43% अंक दिए गए। यूरिया उत्पादन में ऐसे तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफी कम है, हालांकि खेतों में उर्वरकों के छिड़काव के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है, लेकिन इसे रेटिंग के आधार में शामिल नहीं किया गया है। यूरिया उत्पादन करने वाले प्लांट्स में हर साल लगभग 191 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल होता है। CAC ने इस सेक्टर को पानी के इस्तेमाल में दक्षता को लेकर 40% अंक दिए हैं। उर्वरक उत्पादन उद्योग के 26% प्लांट्स में भूजल का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें से 4 प्लांट उत्तर प्रदेश में हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उर्वरक उत्पादन उद्योगों को प्रदूषण के मामले में रेड श्रेणी में रखा गया है। इन उद्योगों से निकलने वाला पानी बहुत ही प्रदूषित होता है। कई प्लांट्स में जल शोधन संयंत्र WUTP नहीं लगे हैं। 14 प्लांट्स में से लिए गए सैंपल में से 57% सैंपल पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। 18 प्लांट्स में से लिए गए भूजल के सैंपल में 83% सैंपल्स में अमोनिया नाइट्रोजन तत्व मानक से 187% अधिक पाया गया। चूंकि यूरिया प्लांट से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल बागवानी में किया जा रहा है, इसलिए इससे भूजल भी प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। वायु प्रदूषण का मुद्दा तेल से चलने वाले यूरिया प्लांट्स में अधिक देखा गया। CPSB नियमों के अनुसार सभी यूरिया प्रीलिंग टावर में CEMS लगवाना अनिवार्य है।
लेकिन संबंधित टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण ज्यादातर यूरिया प्लांट्स में CAMS नहीं लगे हैं। यूरिया उद्योग हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूल कण भेज रहा है। कई प्लांट्स में अमोनिया की बदबू आने की शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन कंपनियों की ओर से स्थानीय लोगों को अमोनिया लीकेज जैसी स्थिति में बचाव के तौर तरीके तक नहीं बताए गए हैं। स्थानीय लोगों ने भूजल दोहन और प्लांट से निकलने वाले प्रदूषित पानी के फैले होने की शिकायत की। सरकारी क्षेत्र की कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा चार और कोऑपरेटिव संस्थान इफ्को द्वारा 3 प्लांट चलाए जा रहे हैं, जो यूरिया की कुल खपत का क्रमशः 16 से 18% उत्पादन करते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के भटिंडा, नागल और पानीपत प्लांट का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। पानी के इस्तेमाल की दक्षता को लेकर भटिंडा और पानीपत प्लांट को केवल 1 लीफ की रेटिंग दी गई है, जबकि नांगल को 1 भी लीफ नहीं मिली है।